सर्वप्रथम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूँ और आज मैं जगदलपुर शहर के चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के ग्राउंड में मौजूद हूँ। दरअसल बस्तर में क्रिसमस पर्व की धूम मची हुई है। बस्तर के चारों दिशाओं से जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं वो रैली में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं चर्च ग्राउंड का ये मैदान है जहाँ पर एक छोटा सा स्टेज बनाया गया है और इस स्टेज में मसीह समाज के पदाधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। और साथ ही आप पूरे तरफ इस ग्राउंड में देखेंगे तो चारों दिशाओं में आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगा। तमाम जगह से जो लोग हैं मसीह विश्वासी हैं वो इस रैली में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप चलिए आगे चलिए और भी दिखाते हैं। हमारे जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं वो तरह तरह के गेटअप तैयार करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वाद्य यंत्र लेके आए हैं। देखिए आप ट्रकों में साउंड सिस्टम लगाया गया है और साउंड सिस्टम के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनको भी दिखाते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, शहरी क्षेत्रों से भी हैं। तमाम जितने भी आपको चेहरे यहाँ पर दिखेंगे हर एक चेहरों पर खुशी नज़र आएगी, क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जगदलपुर शहर में जो है भव्य रैली का आयोजन मसीह समाज के द्वारा किया गया है। आप इधर से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सेंटा क्लॉज भी नज़र आएंगे। देखिए एक अलग तरीके का यहाँ पर तैयारियाँ चर्च के द्वारा किया गया है। चर्च के जो विश्वासी हैं रैली में शामिल होने के लिए पूरी तरह से बनकर गेटअप में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए कम से कम इतने सारे लोग हैं। देखिए सभी को क्रिसमस पर्व की बधाई। आप देख सकते हैं उत्साह, कितना उत्साह है। आप कौन से कलीसिया वाले हैं? मेथोडिस्ट चर्च। ये मेथोडिस्ट चर्च जी, मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर जी। आप क्या बने हैं? मैं सेंटा बनी हूँ। सेंटा बने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता बघेल है। कितना उत्साह है क्रिसमस पर्व और रैली को लेकर आपके अंदर? बहुत ज्यादा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान गोयल है। अच्छा मुस्कान जी, ये बताइए कि प्रतिवर्ष आप ऐसे ही गेटअप में आते हैं रैली में शामिल होने के लिए? नहीं, इस साल पहली बार है। तो कितना उत्साह है? बहुत। परमेश्वर का धन्यवाद जी। करोगे? जी करेंगे। क्यों आए हो रैली में? धन्यवाद। आइए सामने आइए। क्या नाम है आपका? संगीता बघेल। संगीता बघेल, आप बताइए क्यों आए हो रैली में? एंजॉय करने और परमेश्वर की स्तुति आराधना करने। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। आप देखिए बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों से, अलग अलग चर्चों से मसीह विश्वासी गण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और क्रिसमस पर्व की बधाई। तो आइए आपको और आगे ले चलते हैं। और भी देखें, पूरी तरीके से ये ग्राउंड जो है ये भर चुका है। अलग अलग गाड़ियां आपको नज़र आएंगी, ट्रकें आपको नज़र आएंगी। सभी ट्रकों में यहां वाद्य यंत्र लगा हुआ है। अलग अलग ट्रक में अलग अलग विश्वासी हैं। करीबन एक दर्जन से अधिक बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रकें हैं, जिसमें यहां ये जो लोग हैं बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। यह रैली जो है जगदलपुर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस इसी ये जो चर्च ग्राउंड है यहीं पर आके समाप्त होगी। उत्साह बहुत है, आगे बहुत सारी तैयारियां भी हैं। इधर आप देखेंगे तो ग्रामीण कलीसियाएं से भी आए हैं। आपका नाम क्या है? तुलसी कश्यप। कौन से गांव से आए हैं? बकावंड से आए हैं। बकावंड क्षेत्र से। कितना उत्साह है आपको ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं रैली में शामिल होने के लिए? बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। क्या कुछ कहना चाहोगे आप बस्तर वासियों को? और क्या कहना चाहूँगा भाई, रैली में शामिल होने के लिए आए हो, कितने लोग आए हैं आप लोग? 20 जन आए हैं। 20 लोग आए हैं जी। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र बकावंड क्षेत्र से भी आए हैं, जो जगदलपुर से महज 35 से 30 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। आप देखिए इधर बुजुर्ग महिलाएँ भी हैं। कौन गाँव चो आज तुम? अमी साले मेटा। साले मेटा तेरी बेड़ा, तेरी बेड़ा चा तेरी बेड़ा, तेरी बेड़ा चा। अच्छा कितना जान हिला सा आज? आसो ये सब बोल बचाले खूब जन आसो। 50 जन खूब जन आसा। काय का जिला है? रैली काजे। रैली काजे हरिक लागे से? हरिक लागे से। देखो हरिक लग रहा है, हरिक मतलब खुशी बहुत है, खुशी बहुत है चारों तरफ। आप छोटे बच्चे से लेकर
बड़े बुजुर्ग महिलाओं को देखेंगे जो इस रैली में शामिल होने के लिए बेहद ही उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आगे चलते हैं, आपको मंच भी दिखाएंगे कि किस तरह से मंच यहाँ पर बना हुआ है, टेंट लगा हुआ है। टेंट चारों तरफ आप देखेंगे ना यहाँ से, तो एक बहुत बड़े जगह में टेंट लगाया गया है ताकि जितने भी बस्तर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं उनके लिए जगह हो। आगे चलते हैं, आगे भी आपको और बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ सूचनाएं भी दे रहे हैं कि क्योंकि सूचना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से आए हो? सीतापुर से। सीतापुर से आए हो? कितना उत्साह है रैली को लेकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। खुशी है? खुशी है। हर साल आते हो क्या? हर साल आते हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है रैली का, क्यों रैली निकाल रहे हो? रैली एक क्रिसमस के उत्सव लेके और लोगों को हम देखना चाहते हैं कि कितना उत्सव के साथ मनाया जाता है। कितना उत्साह आपके अंदर? उत्साह है, उत्साह है। अच्छा ये बताइए, जब रैली के बारे में चर्चा चल रही थी जगदलपुर शहर में, रैली होगा, तो आपके मन में क्या चल रहा था? रैली होना चाहिए था, सब हमने हमारे मन में जुनून था कि रैली होना चाहिए, सबके दिल में रैली का महत्व मना। मतलब इस दिन का इंतजार था, आज ये दिन आ गया है। आ गया, अभी रैली में शामिल होंगे और प्रभु की महिमा करेंगे बिल्कुल। देखिए जब से रैली का आगाज हुआ है तब से यहाँ जो लोग हैं वो बेहद ही खुश हैं, क्योंकि रैली जो है वर्ष में एक बार होता है जगदलपुर शहर में, और जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में बस्तर के चारों दिशाओं से लोग पहुंचते हैं। आगे और चलिए, और भी बहुत सारी बातें करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। ये मंच है, देखिए प्रभु यीशु मसीह की जय। ये मंच है, कोंडा गाँव के लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, और इधर आप देखें कि युवतियाँ भी है जो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उत्साह सभी के अंदर है। इधर से आप देखेंगे तो कुछ बहुत से ग्रामीण हैं जो बैठे हुए हैं और रुक वे इंतजार कर रहे हैं कि वो पल वो क्षण कब आए कि हम एक साथ इस जगह से निकले और रैली, एक भव्य रैली जगदलपुर शहर में निकालें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर जो है रैली को लेकर बहुत सारे विसंगतियां बनी हुई थी। कोई लोग बोल रहे थे कि 26 दिसंबर को रैली होगा, कोई ये कह रहा था कि 27 को रैली होगा, जिसके लिए अलग अलग बैनर पोस्टर शहर के बीचों बीच लगाए गए थे। लेकिन अंतिम में एक चीज़ें निकल कर सामने आई कि 29 दिसंबर को जो है वो यहाँ रैली का आयोजन होगा, और उसके बाद सभी एकजुट होकर रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी भी हम नानगुर से आए हैं। नानगुर, कितना उत्साह है रैली को लेकर? बहुत उत्साह है हम लोग को। क्या क्या सोच रहे थे आप रैली के विषय में? रैली के विषय में हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे अच्छा से, बहुत सारे लोग हर्ष उल्लास के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आपके अंदर कितना उत्साह है रैली को लेकर? बहुत उत्साह है और हम लोग एक्साइटेड है इस रैली को लेकर के। चारों तरफ समस्या ही समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है, भिन्न भिन्न स्थानों पर समस्या दिख रहा है। इस समस्या के बीच में भी बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और यीशु मसीह का संदेश को लेकर के चलने के लिए सब लोग तैयार हैं और इस बातों को देखकर बड़े उत्साहित हैं। नारायणपुर क्षेत्र में देखें तो लगातार सताव की स्थिति निर्मित हुई है, उनके लिए भी हम कोई विशेष प्रार्थना करेंगे क्या आज के? बिल्कुल, हम लोग जब से सुने हैं उस क्षेत्र की जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, सताव के बारे में सुन रहे हैं, लगातार बस्तर की कलीसिया लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रही है और हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है जो लोग सता रहे हैं उन लोग एक दिन अपने जीवन को बदलेंगे और प्रभु के राहों पर आएंगे। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो सताने के लिए आए हैं? क्या वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते आपके अंदाज़? डेफिनेटली कि वही लोग ही होंगे जो प्रभु के बारे में अच्छे से नहीं जानते। यदि भी जानते हैं तो यीशु मसीह को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके चलते यीशु मसीह को दबाने के लिए, फिर यीशु मसीह के नाम को दबाने के लिए जो लोग यीशु मसीह के पीछा कर रहे हैं उनको दबाने के लिए सताव के लिए आगे आकर सता रहे हैं लोगों को। लेकिन यीशु का नाम कभी दबा नहीं है, दबेगा भी नहीं, और हमेशा ऊंचा ही होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही ऐसा है जो सबसे ऊंचा है। आप कितने वर्षों से मसीह में हैं? मैं जन्म से मसीह में हूँ और जीवन भर सांसें चलते तक मसीह में ही रहूँगा। आप कितने वर्षों से मसीह में? हाँ जी, मैं भी बचपन से हूँ। बचपन से आप? मैं भी बचपन से मसीह में हूँ। बचपन से ही मसीह? अच्छा, धर्मांतरण की एक बात होती है अलग अलग जगह में, आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना होता है धर्मांतरण को लेकर? क्योंकि
आज सभी जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि आदिवासी जो हैं वो धर्मांतरण कोई जबरदस्ती करवा रहा है, ऐसी बातें नहीं सुने हैं। तो क्या वाकई में धर्मांतरण होता है? धर्मांतरण की बात जहाँ तक है ये बिल्कुल गलत है, और लोग इन दिनों में पढ़े लिखे हैं, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और सब लोग देखते हुए अनदेखे होकर रह नहीं सकते। जितना दिन तक लोगों को दिमाग नहीं खुला था, जब तक लोगों की आंखें बंद थी तब तक लोग चुप थे, लेकिन अभी सच्चाई को लोग जान रहे हैं और आंखें खुल रही है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे, वचन को विश्वास कर रहे हैं। और जो ये आरोप लगाया जा रहा है ये तो एक मतलब लोगों को बाधा डालने के लिए एक आरोप है। धर्मांतरण के पीछे किसी का हाथ नहीं, एक खुद की जीवन जो है हम प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं, इसमें किसी का मतलब कुछ और नहीं है। धर्म का परिवर्तन नहीं होता है, मन का परिवर्तन होता है। बिल्कुल मन का परिवर्तन होता है, धर्म का परिवर्तन नहीं होता। धर्म का परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता, और जाति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। परमेश्वर ने केवल दो जाति बनाए हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, यही कारण इसके अलावा और दूसरा कोई जाति इस दुनिया में है ही नहीं। यही कारण है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जान रहे हैं, अंदरूनी जगह से मुख्यालय में आज रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। रैली का उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना, लोगों को शुभ संदेश बताना कि यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया। इसलिए आया कि लोगों का उद्धार हो, पापों की क्षमा हो और लोग प्रभु को जाने। आमीन। आप बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी चीज़ें जानकारी देने के लिए। हम आपको और भी आगे ले चलते हैं और भी दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम इतना ऊँचा है कि वो कभी झुक नहीं सकता, और ना ही किसी में इतनी ऐसी ताकत है जो उस नाम को झुका पाए। तो आपको भी कुछ समय के लिए इंतज़ार में रखते हैं, आप भी कुछ देर इंतज़ार करिए। अब से कुछ ही देर के बाद यहां से रैली निकलेगी जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस इसी स्थान पर आकर ख़त्म होगी। तब तक ले अलविदा। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।